रहीम आज के लेक्चर में हम केमिकल फ़ार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि भाई केमिकल फ़ार्मूला क्या है इसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे मतलब एम्परिकल फार्मूला क्या है और मालिकुलर फ़ार्मूला क्या है और हम एम्परिकल फार्मूला एम्परिकल फार्मूला की कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं केमिस्ट्री में और मालिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या इन्फार्मेशन देता है और मालिकुलर फार्मूला क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है और लास्ट में हम मालिक एम्परिकल फार्मूला पर और uh, जो मालिक्यूलर फार्मूला है इस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि जो डिफिनीशन हम एम्पेरिकल फार्मूला की करें और मालिकुलर फार्मूला की करें ताकि वो आपको आसानी से समझ आ जाए सारे जो मेन पॉइंट्स हैं और जितने भी एम्पोर्टेंट हैं ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप प्रॉब्लम समझें तो इट्स मीन आप डिफिनीशन सही सम, तरीके से समझ आ सक पा सकते हो अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से ए, नहीं सीखा तो इट्स मीन आप इसको अच्छे तरीके से नीच पा सीख पा सकते हो डिफिनीशन एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला के आसान है लेकिन इसकी कन्सेप्ट थोड़े बहुत मुश्किल है इन लेक्चर में हम इसकी सारे जो कंसेप्ट हैं, डिफिनीशन है सारे हम क्लियर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कि कीमिकल फार्मूला फर्स्ट ऑफ आल कैसे कहते हैं अच्छा तो इसकी डिफिनीशन ये है कि केमिकल फार्मूला कैसे कहते हैं इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते इट इज़ इन एब्रीवेशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स मतलब ये केमिकल फार्मूला ये एक एब्रिवेसन है फुल कंपाउंड्स की नेम की एब्रीवेशन सिंपली हम इसको केमिकल फार्मूला कहते हैं लेट्स सपोज इसी तरह सोडियम सोडियम क्लोराइड ये फुल नेम है लेकिन हम फुल नेम नहीं ले सकते सिर्फ इसके ऐसे अल्फाबेट्स लिखते हैं जो कि सोडियम की जिस आ, जो सिंबल है एन ए तो इस सोडियम की बजाय हम एन ए लिखते हैं और क्लोरीन की जो सिंबल है ए, सी एल आ, तो क्लोरीन की बजाय हम इसकी सिंबल लिखते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन भाई ये एन ए और सी एल ये सोडियम और क्लोरीन की एब्रिवेशन है और जो सोडियम क्लोराइड है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम क्लोराइड हम हर जगह नहीं लिख सकते हैं इसकी बजाय आसान और कंपैक्ट कंसाइज जब हम लिखते हैं एन ए सी एल ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये है हमारे साथ सोडियम क्लोराइड ये एब्रिवेसन है सोडियम क्लोराइड की तो डिफिनीशन इसके

क्यों स्टडी करते हैं तो इसकी जवाब ये कि किमिकल फार्मूला हमें को, ए, को, कितने इन्फॉर्मेशन देता है तो मेनली टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल फार्मूला देता है केमिकल फार्मूला टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड सबसे पहली इन्फॉर्मेशन केमिकल फार्मूला हमें यह देता है कि भाई कंपाउंड में कौन सी टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जिस तरह हम ये सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड ये केमिकल फार्मूला है सो uh, chloride, सोडियम क्लोराइड इनिशियल सोडियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला है और यह केमिकल फार्मूला हमें यह इन्फॉर्मेशन है कि भाई इसमें एक सोडियम की एलिमेंट है और दूसरे क्लोरीन की एलिमेंट है तो हमें एटम्स या एलिमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते कि भाई इस कंपाउंड में हमारे साथ कितने एलिमेंट्स है और कौन कौन सी एलिमेंट्स है और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन देता है द रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी कंपाउंड कंपाउंड में जितने इस एलिमेंट्स की जो जो रेशो है कंबाइनिंग रेशो है ये कितने रेशो में कंबाइन हो सक होती है इस कंपाउंड में ये इंफॉर्मेशन हमें देता है फर्स्ट टाइप ऑफ एटम सिकेंड रेशो बिटवीन एटम्स एन कंपाउंड केमिकल फार्मूला हम ये इंफॉर्मेशन देता है तो इसकी एग्जांपल मैंने ली है एन ए एच एन ओ थ्री सोडियम नाइट्रेट इसकी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये हमें दे ये देता है कि ये सोडियम नाइट्रेट किस चीज़ से बना है सोडियम से बना है नाइट्रोजन से बना है ऑक्सीजन से, बना है, से बना है दूसरी केमिकल फार्मूला हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई सोडियम इसमें वन है रेशो में और ये नाइट्रोजन भी वन है ऑक्सीजन थ्री है सोडियम क्लोराइड वन सोडियम है वन क्लोरीन है वन वन है रेशो में सिक्स एज ट्वेल्व और सिक्स इसमें बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये छह छ रेशो है ये नहीं है रेशो सिंपलेस्ट हॉल नंबर को कहते हैं के कि भाई सिंपलेस्ट हॉल नंबर इसमें कितने हैं तो छः कम छके बारह और छः कम छ तो इसमें रेशो है वन रेशो टू रेशो वन इसमें ये रेशो है अच्छा हम दूसरी बात करते हैं केमिकल फार्मूला के बारे में कि भाई केमिकल फार्मूला हम कि ठाईस कितने हैं तो केमिकल फार्मूला हमारे साथ दो तरह के होते हैं एक हमारे साथ एम्पेरिकल फार्मूला है और एक हमारे साथ मालिकुलर फार्मूला है एम्परिकल फार्मूला कैसे कहते और मोलिकुलर फार्मूला कैसे कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम और मालिकुलर फार्मूला हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो आइए देखते हैं कि भाई ये क्या है अच्छा तो एम्पेरिकल फार्मूला की डिफिनीशन हम पढ़ते कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शोज़ दुमॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रजेंट इन अ कंपाउंड सिंपल अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई एम्परिकल फार्मूला हमें क्या फॉर्मेशन देता है इस सारे की खुलासा यह है कि भाई हमें सिम्पलेस्ट रेशो बिटवीन एलिमेंट या एटम ऑफ अ कंपाउंड बताता है जिस तरह की हमारे साथ बेंजीन की मालिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच सिक्स है इसकी सिंपलेस्ट रेशो या एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल ये हमारे हमें मोलिकुलर फार्मूला इंफॉर्मेशन देता है मतलब C6H6 एच सिक्स इसकी बात हम कंपेयर करते हैं द सिंपलेस्ट रेशो बेंजीन में क्या है ये वन रेशो वन है इसकी एम्पेरिकल फार्मूला क्या है सी एच है तो ये हमें एम्पिरिकल फार्मूला से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भाई इसमें सिम्पलेस्ट रेशो बिन में क्या है सिक्स सिक्स नहीं है इसमें वन रेशो वन है तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है सिम्पलेस्ट रेशो बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ अ कंपाउंड जिस तरह कार्बन डिफरेंट है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन डिफरेंट है कार्बन से लेकिन इन दोनों के बीच में जो रेशो है हमें वो बताता है किसी कंपाउंड में दूसरी एग्जाम्पल है एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज सी सिक्स एच इसकी एम्पेरिकल फार्मूला हमारे साथ क्या है एम्पेरिकल ई e मतलब एम्परिकल और एफ मीनस फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला इसकी क्या है वन रेशो टू रेशो वन तो ये हमें एम्पेरिकल फार्मूला ये सिंपलेस्ट रेशो की इंफॉर्मेशन देता है दूसरी बात यह है कि ये तो आसान की बात है प्राइमरी नॉलेज है एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी बंदे के लिए यह है कि भाई हम एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसकी कितने स्टेप्स है तो मैं मालिकुलर फार्मूला को थोड़े बहुत टच देता हूँ इसके बाद में प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करता हूँ तो प्रॉब्लम में मैं ये बताऊँगा कि भाई हम एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह कैलकुलेट कर सकते तो बहुत आसान है वो स्टेप्स भी बताऊँगा और कैलकुलेशन भी करूँगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स तो इससे पहले हम मूव करते मालिकुलर फार्मूला के की तरफ कि मालिकुलर फार्मूला की है और मालिकुलर फार्मूला भी मैं प्रॉब्लम से सोल्व करूँगा कि भाई हम किस तरह मालिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं या किस तरह फाइंड कर सकते हैं तो वह आसान है वो बाद में करेंगे इस वीडियो में द मालिकुलर फार्मूला की डिफिनीशन हम सीखते हैं कि भाई मालिकुलर फार्मूला क्या है तो मालिक्यूलर फार्मूला हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है मालिक्युलर फार्मूला शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मतलब ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रेजेंट जो कि मौजूद होते हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जितने भी रेशो में जितने डिफरेंट एलिमेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसकी एक्चुअल रेशो हमें बताता है एक्चुअल रेशो एम्पेरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल रेशो नहीं बताता है हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है तो मिसाल क्या है मालिकुलर फार्मूला हमें एक चुअला रेशो बताता है और एम्पेरिकल फार्मूला में हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है इन दोनों में डिफरेंस ये है एक चुअल रेशो एंड सिंपलेस्ट रेशो तो मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज़ हमारे साथ क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स तो ये हमारे साथ एक चुअल रेशो है कि ग्लूकोज के वन मोलिक्यूल में हमारे साथ छः कार्बन मौजूद होगी बारह हाइड्रोजन और छ ऑक्सीजन तो मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन हमारे साथ दूसरी एग्जाम्पल है सी सिक्स एच एच सिक्स हमारे साथ बेंजीन की वन मॉलिक्यूल में छः कार्बन होगी और छः हाइड्रोजन होगी ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्फॉर्मेशन बताता है और एम्पेरिकल फार्मूला किया इन्फॉर्मेशन देता है वन रेशो वन मतलब वन रेशो वन में कार्बन और हाइड्रोजन है मालिक्यूलर फार्मूला डाइव फ्राम एम्पेरिकल फार्मूला ये हमें पता होना चाहिए कि हम मालिकुलर फार्मूला को एम्पेरिकल uh, फार्मूला से डिराइव करते हैं तो किस तरह डिराइव करते हैं इसकी बी ए पॉइंट बी में वहाँ पर प्रॉब्लम में जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लें करूँगा द मालिकुलर फार्मूला ऑफ बंजीन द मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन जो हमारे साथ है मालिकुलर फार्मूला इसकी हम कैलकुलेट करते एम्पीरिकल फार्मूला से तो एन मल्टीप्लाई एम्पीरिकल फार्मूला हमारे साथ बेंजीन के केस में इसके केस में एन हमारे साथ सिक्स है लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि हम एन को किस तरह फाइंड करेंगे तो ये भी मैं प्रॉब्लम में, में बताऊँगा कि भाई ये एन हम किस तरह फाइंड कर सकते एन की फार्मूला क्या है कि हम एन को मल्टीप्लाई करिए तो आसान है कि एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला हमें पता है कि सी एच है लेकिन हमें एन की पता नहीं है कि भाई एन कैसे किस तरह हम कैलकुलेट करते तो एन बहुत आसान है मैं करके बताऊंगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला दूसरी बात यह है कि बाज़ अवकात मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होते हैं बाजा मालिक्यूलर फार्मूला मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला होता है तो कभी कभार ये इक्वल होता है कभी कभार ये इक्वल नहीं होता है ये मल्टीपल मालिक्यूलर फार्मूला इज मल्टीपल ऑफ दी इस तरह एन मल्टीपल ऑफ एम्पीरिकल फार्मूला होता है तो मैं मिसाल देता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन एच थ्री जो है हमारे साथ इसकी एन एच थ्री है वन रेशो थ्री और जो मालिक्युलर फार्मूला है ये भी वन रेशो थ्री है तो ये एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है और मालिक्युलर फार्मूला भी सेम है इसी तरह अगर हम बेंजीन की मिसाल ले लें इसकी वन रेशो वन है इसकी एम्पेरिकल फार्मूला वन रेशो वन है और ये मालिकुलर फार्मूला सिक्स रेशो सिक्स ये डिफरेंट है एक दूसरे से इन दिस केस और एच ओ जो हमारे साथ वन रेशो वन है और ये एच टू टू रेशो टू एच टू ओ टू हाइड्रोजन पराक्साइड इसकी जो एम्पेरिकल फार्मूला की रेशो है और मालिकुलर फार्मूला की की रेशो है ये बराबर नहीं है ये भी बराबर नहीं है ये बराबर है हमारे साथ मीथेन है इसकी जो एम्पेकल फार्मूला है वन रेशो फोर और मालिकुलर फार्मूला है ये भी इसकी बराबर है वाटर की जो है मतलब इसको हम फर्दर नहीं सिम्प्लीफाई कर सकते इसकी फार्मूला और जो वाटर है टू रेशो वन की इसकी एम्पेरिकल फार्मूला में जो रेशो है इसकी मालिकुलर फार्मूला भी टू रेशो वन है तो बाजा मालिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होता है बाज़त मल्टीपल ऑफ एम्परिकल फार्मूला है मालिकुलर फार्मूला तो हम प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मालिकुलर फार्मूला हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो आइए है देखते हैं जितने भी डिस्कशन हमने किया मॉलिकुलर और एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में अभी तक डाउटफुल है जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करते तो सारे ये डाउट क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम हमें ये दिया गया है द कंबशन एनालिसिस जो कि हम किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं, इसको हम कंबशन एनालिसिस हैं और इसी थ्रू से हम किसी चीज़ को नहीं कि आज तक एनालिसिस करते तो उसको हम कम्बशन एनालिसिस कहते ये एक बड़ी प्रोसेस है ये अलग सी टॉपिक है बड़ी टॉपिक है uh, तो दम्बशन एनालिसिस ऑफ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री ग्राम ऑफ स्पेरिन ये आर्गेनिक कंपाउंड है प्रोड्यूस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स सिक्स ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन टू ग्राम ऑफ एच टू ओ ये डेटा है किसी एक कंपाउंड के बारे में तो हमसे क्या मांगते हैं कि भाई कैलकुलेट द एम्परिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एस्पिरिन की जो केमिकल फार्मूला है केमिकल फार्मूला ऑफ किस चीज़ की द कंबशन ऑफ एनालिसिस एस्पिरिन इसकी हमें एम्पेरिकल फार्मूला हमसे मांगते कि भाई इसकी एम्पेरिकल फार्मूला बताए तो एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में मैंने कहा था कि भाई इसमें कुछ स्टेप्स इसकी कैलकुलेशन के लिए तो थ्री स्टेप्स रिक्वायर्ड है एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमारे साथ है परसेंटेज ऑफ ईच इलीमेंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस कंपाउंड में ईच इलीमेंट्स की कितने परसेंटेज है ये मैंने सेकंड uh, जो स्टेप है नंबर ऑफ मॉल्स हम किसी मालिक्यूल में जब हम uh, किसी मालिक्यूल के एम्पेरिकल फार्मूला को स्टडी करते हैं तो नंबर ऑफ मॉल्स मॉल नंबर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप जो एम्पेरिकल फार्मूला में है कन्वर्जन द फ्रैक्शनल नंबर इनटू होल नंबर हम फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करते ये थ्री स्टेप्स हमारे साथ रिक्वायर्ड है किसी भी एम्पेरिकल फार्मूला के कैलकुलेशन के बारे में तो हम ऐसे ही गेवन डेटा से स्पिरिंग की एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते है। देखते हैं कि भाई हम किस तरह इसको कैलकुलेट करते तो हमारे साथ गेवन डेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हमारे साथ ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स है और ये एच टू जो हम इस इतनी है तो एज स्परिंग और इस्परिंग की जो सैंपल हमने लिए ये इतनी ग्रेन्स है तो स्टेप वन में हम क्या करते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम किस तरह कैलकुलेट करते करते मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट मास ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड जो स्प्रिंग हमने लिया है और हम किस चीज़ की मास कैलकुलेट करते हैं कार्बन की परसेंटेज कार्बन की तो कार्बन हमारे साथ क्या है बारह है और कार्बन की परसेंटेज हम किस चीज़ से स्परिंग में कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी आर्गेनिक कंपाउंड हो बर्न करते हैं तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एच टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ प्रोड्यूस करता है तो किसी कार्बन की मेकदार को हम परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की एक मेदार से हम मालूम कर सकते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की जो मेदार है हम वाटर की मेदार से मालूम कर सकते हैं ये जो परसेंटेज है तो कार्बन की परसेंटेज हम कार्बन डाइऑक्साइड से मालूम करते हैं तो इसलिए हमने फोर्टी फोर पर डिवाइड किया मल्टी हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो हंड्रेड पर मल्टीप्लाई किया है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे साथ है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्यवन है ये इतना है और मास ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड जो हमें गेवन है ये ये इतने हैं और मल्टीप्लाई बारह बटा फोर्टी फोर ये वही है तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इस परिंग में कितने हैं सिक्सटी पॉइंट ज़ीरो परसेंट हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है मास ऑफ वाटर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन नहीं है तो हमें जितने वा, वाटर हासिल हो चुकी है बर्निंग में इस कम किसी कंपाउंड में तो ऐसी ही वाटर से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वाटर में तो हाइड्रोजन है मास ऑफ वाटर बट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने बर्न किया है वो हाइड्रोजन हमें जानते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन के कितने ए एम यू होते हैं टू पॉइंट ज़ीरो टू एम यू होता है और वाटर की वाटर कितने होते हैं कितने एम यू एटीन पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये आसान की बात है तो गिवन मास ऑफ वाटर जो हमें दिया है क्वेश्चन में ये इतने वाटर है, बर्निंग इस्प्रिंग कंपाउंड ने दिया है और ये स्प्रिंग कंपाउंड इतने मकदार में हमने लिए है ये हाइड्रोजन की वही चीज़ है तो ये कितने परसेंटेज हो गया फोर पॉइंट फोर एट अभी क्वेश्चन बनता है कि भाई ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में मालूम करना अगर कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हंड्रेड की बराबर हो हम इसको कैलकुलेट करें हं, हंड्रेड की बराबर हो इन दिस केस अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज या फोर्टी होता तो इसी कंपाउंड में क्योंकि ये सिक्सटी कार्बन है सिक्सटी हाइड्रोजन है इट्स मीन इसमें ऑक्सीजन इस नहीं होता अगर हंड्रेड की बराबर ना हो इन दिस केस फोर पॉइंट फोर एट है चालीस तो नहीं है तो हमें पता लगता है कि भाई इसमें कुछ और भी है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम फिर किस तरह कैलकुलेट करते हैं अगर ये सिचुएशन हो कि परसेंटेज हंड्रेड की बराबर न हो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हंड्रेड क्योंकि टोटल परसेंटेज तो हमारे साथ सौ के बराबर होता है तो मनफी करते हैं किस चीज़ की परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की परसेंटेज हम इससे मनफी करते हैं प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज इस हंड्रेड से मनफी करते तो इट्स मीन जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट हमारे साथ इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है जो दूसरी स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉल्स हम किस तरह इसकी तो अभी हम सिकेंड स्टेप की तरह मूव करते हैं कि मोल किस तरह कैलकुलेट कर अच्छा नंबर मोल नंबर हम किस तरह कैलकुलेट करते है जो हमने पहले डिस्कस किया इस डेटा से तो मोल ऑफ कार्बन सबसे पहले कार्बन की मोल नंबर हम मालूम करते तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम ये, ये इसके फार्मूले है परसेंटेज ऑफ कार्बन बट तो एटामिक मास ऑफ कार्बन इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे साथ सिक्सटी है और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारे साथ 12 है तो इससे कितना मोल आता है फोर पॉइंट नाइन नाइन ये हमारे साथ नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ कार्बन है इसी कंपाउंड में मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो ये इसकी फार्मूला है मोल नंबर की कैलकुलेशन की हाइड्रोजन की तो 4.4 पॉइंट फोर एट हमारे साथ परसेंट हाइड्रोजन था इसमें और हाइड्रोजन की एटॉमिक मास वन पॉइंट वन जीरो एम यू है तो इससे हमें वन पॉइंट फोर थ्री मॉल इसमें हाइड्रोजन है इसी तरह ऑक्सीजन की वही चीज़ है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो हमारे साथ है ये सोलह है तो हमारे साथ यहाँ पर टू पॉइंट टू वन तो आ गया तो हम अभी इसकी सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं कि भाई सिंपलेस्ट रेशो इसकी हम मालूम करें तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो ऑफ स्पीडिंग सिंपलेस्ट मोलर रेशो ऑफ स्पीरिंग हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसी ही जितने वैल्यूज़ हैं इसमें सबसे छोटी वैल्यू को ले ले और ये सारे स्पीड डिवाइड करें तो हमारे साथ ये सिंपलेस्ट फ्रिक्शनल रेशो आ जाएगी सिंपलेम्पलीफाई द मोलर रेशो ये है, है। ये हमारे से 2.2 पॉइंट टू सबसे कम वैल्यू है इसमें तो 2.2 पॉइंट टू इस पर डिवाइड करे टू ये इस टू पॉइंट टू पे डिवाइड करे ये भी इस टू पॉइंट टू पे डिवाइड करे तो सिंपलेस्ट रेशो जो हमारा फ्रिक्शनल रेशो जो हमारे साथ है ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू पॉइंट फाइव रेशो टू ज़ीरो रेशो वन तो हमारे साथ कार, न, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो ये है तो थर्ड स्टेप हमारे साथ अभी कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो है हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे साथ ये रेशो आ जाएगी तो सबसे पहले कन्वर्शन के लिए कि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू को होल में किस तरह कन्वर्ट करना है तो ये पॉइंट के बाद जो चीज़ है इसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि भाई ये मतलब ये ख़त्म हो जाए तो अगर हम 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पच्चीस चारे सौ तो ये ये वन यहाँ पर आ जाएगा और ये थ्री पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो इस तरह आ जाएगी तो इसी तरह हमने ये किया है मतलब इसी चीज़ को हमें देखना है इसी चीज़ को फ्रैक्शनल से निकालना है तो ये ट्वेंटी फाइव अगर हम फोर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दो चारे आठ और पच्चीस चारे सौ तो वन यहाँ पर आ जाएगा नाइन हो जाएगी नाइन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो इसी तरह फोर हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो चार आठ ये हमारे साथ हाइड्रोजन एट रेशो हाइड्रोजन की एट रेशो ऑक्सीजन की फोर मल्टीप्लाई वन तो ये ऑक्सीजन फोर रेशो में तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ स्पिरिंग की जो हम रेशो है तो ये हमारे साथ नाइन पॉइंट एट पॉइंट फोर है तो सिक्स एच एट ओ फोर ये हमारे साथ एम्परिकल फार्मूला ऑफ स्पीर है हम मलिकुलर फार्मूला को किस तरह इसी तरह कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल से मलिकुलर फार्मूला भी जानते हैं तो हमने ये जान लिया कि भाई मालिकुलर फार्मूला या तो एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर है सम टाइम या मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होता है तो एन वैल्यू मैंने कहा था कि भाई एन वैल्यू हम किस तरफ फाइंड करते हैं। तो एन वैल्यू की को आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं मालिकुलर वेट ऑफ डेट कंपाउंड जिसकी हम जो मालिक फार्मूला मालूम करते हैं मालिकुलर वेट इसकी और एम्परिकल फार्मूला वेट मालिकुलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइड करें एम्पीरिकल एम्पीरिकल फार्मूला एफ फार्मूला वेट पर तो हमारे साथ एन की वैल्यू आ जाएगी फिर एन की वैल्यू एम्पीरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मालिकुलर फार्मूला हासिल होगा तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है ई जी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सी एच टू ओ मालिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑबटेन फ्रॉम अदर एक्सपेरिमेंट्स इज ट ज़ीरो पॉइंट वन एटी पॉइंट वन टू ग्राम्स अदर एक्सपेरिमेंट से हमने weight, ये मालिकुलर वेट ये जानना जरूरी है कि हमने अदर एक्सपेरिमेंट से इसकी मालिकुलर वेट इस तरह मालूम किया तो इसके अपने तरीके हैं कि हम किस तरह मालिकुलर वेट को मालूम करते हैं ये प्रैक्टिकल मालूम कर सकते हैं हम थटिकली मालूम नहीं कर सकते फाइंड द मालिकुलर फार्मूला ऑफ देट कंपाउंड मतलब एम्पेरिकल फार्मूला इसकी ये है और इसकी मॉलिक्यूलर वेट ये है तो इसकी एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें तो फाइंड करते लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ एन तो एन की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड और इसको डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला वेट की तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे साथ वन एटी है और एम्पेरिकल फार्मूला वेट हम एम्पेरिकल फार्मूले से बासानी कैलकुलेट सकती कर सकते कार्बन की कार्बन कितना है एम्पेरिकल फार्मूला है ट्वेल्व इसकी एटॉमिक मास और हाइड्रोजन वन की वन पॉइंट जीरो वन है और टू की टू पॉइंट ज़ीरो टू हो जाएगी और हमारे साथ प्लस ये प्लस ये इस तरह प्लस और ऑक्सीजन सोल है तो इससे आता है थर्टी पॉइंट ज़ीरो टू तो एम्पेरिकल फार्मूला इसकी ये तो इससे आता है भाई सिक्स तो हमारे साथ इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में एन हमारे साथ क्या है छ हो गया तो हम जानते हैं कि दस मालिकुलर फार्मूला ऑफ आ कंपाउंड इज़ मालिकुलर फार्मूला एन मल्टीपल ऑफ एम्पीरिकल फार्मूला है तो एन हमारे साथ यह है छ है और इसकी एम्पीरिकल फार्मूला जो हमें दिया गया है यहाँ पर तो सी एच टू ओ है तो सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स इसके साथ सिक्स इसके साथ हाइड्रोजन के साथ six इसके साथ तो सी सिक्स एच ट्व सिक्स ये इसकी मलिकुलर फार्मूला है और एम्पेरिकल फार्मूला सी एच टू ओ तो बेस्ट ऑफ लक सी विल नेक्स्ट टाइम अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो